ओके, सो लेट्स बिगिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये एनाफाइलेक्टिक जो होती है वो टाइप वन होती है, अक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो टाइप टू होती है। इसके अलावा ये जो हीमोलिटिक होती है दो टाइप की होती है, अक्यूट होती है और डिलेड होती है। जबकि नॉन हीमोलिटिक भी देखने को मिलती है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, और बच्चों के लिए एक वर्ड होता है फेब्राइल। इसके अलावा ट्राली एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। इसके अलावा टाको बेल्स भी एक क्या होती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की बात करें तो तीन टाइप होते हैं इसके, हाइपर अक्यूट, अक्यूट और क्रॉनिक। जो हाइपर अक्यूट होती है उसके अंदर टाइप टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलती है, अक्यूट और क्रॉनिक में मिलती है टाइप टू और टाइप फोर। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमको देखने को मिलती है टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब पढ़ते हैं सबसे पहले एनाफाइलेक्टिक या फिर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये जो होती है ये इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्टिकेरिया, प्लूराइटिस, वीजिंग, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो एनाफाइलेक्सिस में देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कहते हैं। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन एसेस का कोई रिश्ता है जो मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं हम अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, जो कि टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता क्यों है, क्योंकि एबीओ ब्लड टाइप इनकम्पेटेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। इसके अंदर इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो अक्यूट होती है ना, अक्यूट ये एक दिन के अंदर ही ये रिएक्शन देखने को मिल जाती है, विद इन 24 आवर्स आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होगा तो जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि बिलीरुबिन है, और अगर हीमोग्लोबिन यूरिया हुआ तो रेड यूरिन और फ्लैंक पेन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। तो ये बिगेन होता है या स्टार्ट होता है आफ्टर 24 आवर्स, बट जनरली विद इन 1 to 2 वीक्स। ये किसके कारण होता है, रीसस के कारण होता है। रीसस के कारण कैसा होता है, जब किसी नेगेटिव पर्सन को तुम पॉजिटिव ब्लड दे दोगे तो ये डिलेड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस मिलती है, जबकि अक्यूट के अंदर हमको इंट्रा वेस्कुलर देखने को मिलती है। उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम होते हैं, इसकी बात करें तो इट इज़ ऑफन असिम्टोमेटिक। अब बात करते हैं फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, जो कि मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक साइटोकाइंस फ्रॉम WBCs इन डोनर ब्लड। सिम्टम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 1 से 6 घंटे के बीच में आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। सिम्टम कुछ इस तरीके के होते हैं, फीवर, चिल्स, हेडेक, फ्लशिंग। तो अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हमको करना पड़ेगा ल्यूकोरिडक्शन, मतलब जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं उसके अंदर जितने भी WBCs हैं उनको रिमूव करना होगा पहले ही, ट्रांसफ्यूजन के पहले ही। ट्राली की बात करें तो ये नंबर वन कॉज ऑफ डेथ होता है ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इट कैन स्टार्ट विद इन मिनट्स टू 6 आवर्स। इसके अंदर एक टू हिट मॉडल होता है। टू हिट मॉडल क्या होता है, फर्स्ट हिट स्ट्रेसर है कोई, तो उससे न्यूट्रोफिल क्या हो गया, प्राइम हो गया। मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया तो न्यूट्रोफिल प्राइम हो गई ऑलरेडी। अब सेकंड हिट क्या है, ट्रांसफ्यूजन है, तो न्यूट्रोफिल जो होगी वो रिलीज करेगी साइटोकाइन, दिस विल लीड टू फ्लूड एक्युमुलेशन एंड दिस इज द रीज़न फॉर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के दो रीज़न होते हैं, कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक। तो नॉन कार्डियोजेनिक में एक एग्जाम्पल क्या है, ट्राली। पल्मोनरी एडिमा इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लाइक डिस्निया और टेकिपनिया। इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस फीवर एंड हाइपोटेंशन। ट्रीटमेंट है इसका सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। बात करते हैं टाको। टाको के अंदर देर इज अ हिस्ट्री ऑफ CHF और CKD। इसका प्रेजेंटेशन भी सेम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है, जबकि उसके अंदर हमें नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बारे में। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, हाइपर अक्यूट, अक्यूट और क्रॉनिक। तो जो हाइपर अक्यूट होता है वो विद इन मिनट्स ये बिगेन हो जाता है,
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप होता है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि जो आपने ग्राफ्ट लगाया है उसको रिमूव कर दिया जाए। अब बात करते हैं अक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की, तो इट डेवलप्स वीक्स टू मंथ्स आफ्टर। इसके अंदर वैस्कुलाइटिस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है। अब बात करते हैं क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिएक्शन की, तो ये डेवलप होती है मंथ या ईयर आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर भी वही मीडिएटेड बाय टाइप 4 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके अंदर देखो क्या मिल रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल ये देखने को मिलता है, क्रोनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी अगर किडनी ख़राब हो जाती है, तो लंग्स ख़राब हो जाते हैं तो ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस देखने को मिलता है, और हार्ट ख़राब हो जाता है ड्यू टू एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम क्या होता है? ये लिवर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट इन लिवर आर प्रोग्रेसिवली डेस्ट्रॉयड। इंट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, इवेंचुअली डिसअपियर हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम कहते हैं। इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और ट्रीटेड। लास्ट बचा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, ग्राफ्ट जो होता है ग्राफ्ट वो रेसिपिएंट को रिजेक्ट करता है। इससे पहले क्या हो रहा था, रेसिपिएंट जो हो रहा था वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रहा था। इट इज़ कॉमन इन ग्राफ्ट दैट आर रिच इन लिम्फोसाइट, जैसे कि बोन मैरो हो गया या फिर लिवर हो गया। तो मैकेनिज्म क्या होती है, जो टी लिम्फोसाइट होता है फ्रॉम इम्यूनो कॉम्पिटेंट डोनर अटैक दिस सेल्स फ्रॉम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट एंड दिस विल लीड टू सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन। सिम्टम इसका मैक्यूलो पेपुलर रैश याद रखो, मोस्टली कॉमनली इन्वॉल्व पाम्स एंड सोल्स। इसके अलावा प्रिवेंशन यही है कि जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उसके अंदर पहले लिम्फोसाइट को किल करके भेजो। ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट क्या होता है, इन दिस ग्राफ्ट जो होता है वो ट्यूमर सेल्स को जाके किल करता है।